हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं तरबूज के छिलके से एक अनोखा मिठाई। तो पहले हम इसके छिलकों को उतार लेते हैं, उसके बाद हम इसे फोक से इस तरह से गोल कर देंगे। उसके बाद एक बार फ्रेश पानी से धोएंगे इसे हम। और उसके बाद एक दूसरा बर्तन में चूना, जो खाने वाला चूना होता है, जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग पान में इस्तेमाल करते हैं, वो चूना लीजिएगा। और इतना लेंगे, आधा चम्मच से भी कम होगा ये, और इसको अच्छे से पानी में घोल लेना है। आप जितना भी तरबूज का बनाना चाहें बना सकते हैं। और घोलने के बाद धोए हुए पीस को हम इसमें डुबो देंगे। पानी थोड़ा अच्छे से ज़्यादा रखिएगा, और इसे कम से कम 4 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा के बाद इसे आप बनाएंगे हम, तो इसे 4 घंटा तक भिगा कर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। इसके बाद हम चूने के पानी से इसे निकाल देंगे और अच्छे से फ्रेश करके 2-3 पानी से धो देंगे। और धोने के बाद अगर आप हाथों से बारीक काट सकते हैं इस तरह से पतला, तो काट सकते हैं, और नहीं तो चिप्स कटर का इस्तेमाल करके आराम से कट जा रहा है, तो हमें इस तरह से काट काट करके इसे निकालना है और अच्छे से इसका पानी को पहले सुखा लेना है। तो आप देख रहे हैं ये चिप्स कटर से इस तरह से कट जाता है, तो इसे हम आराम से ऐसे ही काट लेंगे। और जितना भी हम भिगा कर रखे हैं इसको काट लेंगे। काटने के बाद जो है पानी को चादर में दबा दबा कर निकाल कर सुखा लेंगे। और अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा मावा बना रहे हैं, इसके लिए हमें मावा का भी ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप बाज़ार से लाना चाहें तो ला सकते हैं, जहाँ कहीं अगर फ्रेश मावा मिलता है, मावा यानी खोआ। तो थोड़ा सा इसमें इलायची कूटा हुआ डाल रहे हैं, और थोड़ा सा चीनी मीठा होने के लिए। आधा मावा को हम निकाल लिए हैं अलग बर्तन में, और आधे में हम थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे, इसे कलरफुल बनाते हैं। तो जब ये पक रहा है इसी समय इसे डाल देंगे, और दोनों को हम ठंडा होने देते हैं। और अब हम यहाँ पे चाशनी बनाते हैं, तो थोड़ा पानी डाले हैं इसमें, और 1 कटोरी लगभग, थोड़ा कम है, चीनी डालकर चाशनी कर लेते हैं, और इसे उबलने देते हैं जब तक ये थोड़ा सा चिपचिपा ना हो जाए। और ये जो काट कर हम रखे थे तरबूज को बारीक बारीक, तो ये पीसेस जो हैं अभी बिल्कुल अच्छे तरह से सूख गए हैं। देखिए पानी नहीं है इसमें। चाशनी तैयार है। चाशनी इस तरह से छूने से चिपचिप होना चाहिए। जब चिपचिप चाशनी तैयार हो जाएगा तो हम इसमें इसको डालकर पकाएंगे। इसमें भी हम इलायची का पाउडर डालेंगे, और आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है चेंज हो गया है। तो हम थोड़े देर और पकाएंगे इसे। पकाने के बाद इसे हम चाशनी में से छान कर निकाल लेंगे।
और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इस तरह से हम इसे सीधा सीधा खोल खोल कर रख लेंगे, नहीं तो एक दूसरे से ये चिपक जाएंगे इस तरह से। किसी दूसरे थाली में आप इसे फैला लीजिए, पूरी तरह से पक गए हैं और खाने में मीठा भी लग रहा है, तो इस तरह से हम फैला लेते हैं इसको। और जब ये तैयार होंगे तो कुछ इस तरीके से ये मिठाई तैयार होगा, तो आइए हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक सीट को उठाएंगे और खोआ को लगा देंगे इसके ऊपर, अच्छे से फैला लेते हैं। और फिर एक दूसरा सीट उठा करके इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो पार्ट है वो हमें दिखना चाहिए, तो यहाँ अच्छे से ये थोड़ा सा नीचे लेके भरेंगे। उसके बाद हम अभी दूसरा जो कलर है हमारा, इसको यहाँ से थोड़ा सा सामने से छोड़कर इस तरह से भर देंगे। और भरने के बाद इसको हम रोल कर देंगे। इस तरह से रोल कर लेंगे। और जिधर से आपको मर्जी उधर से आप सीधा रख सकते हैं, इधर से तो इधर से भी रख सकते हैं, और इसे इस तरह से भी रख सकते हैं, और नहीं तो इसमें हम टूथपिक लगा देंगे। इस तरह से, और इस तरह से मिठाई के साथ रख देंगे। इसमें देखिए मैंने टूथपिक नहीं लगाया है, तो ये ऐसे भी नहीं खुलेगा, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। तो एक और बनाते हैं। इस तरह से खोआ को लगाए, और फिर से एक दूसरा सीट लेंगे इसके ऊपर और इस तरह से रख देंगे। यहाँ का पार्ट जो है थोड़ा सा दिखना चाहिए। और फिर दूसरा कलर अच्छे से डालकर बराबर फैला लेंगे। और फिर से इसको हम रोल कर देंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई एक कलर भर के भी इसे भर सकते हैं इस तरह से। और फिर से हम यहाँ पे इस तरह से रख दिए, तो आप देख रहे हैं कि बिना टूथपिक का भी कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं खुलेगा। तो इस तरह से हम मिठाइयों को तैयार कर लेते हैं।
आप चाहें तो मोटा जो मोटा वाला जो पीस बच गया है उसका भी हम इसको चाशनी में उबाल दिए हैं, तो इसे इसे भी मिठाई बनाकर खा सकते हैं। आपकी मर्जी, आप मोटा जो पीस है उससे भी बना सकते हैं, पर ये थोड़ा सा फोल्ड करने में दिक्कत होता है, तो इस तरह से इसको हम फोल्ड करके और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये रख देंगे। तो इसमें है आपको टूथपिक लगाना पड़ेगा क्योंकि ये खुलने लगेगा। ये छोटा वाला जो है इसको भी हम बनाकर दिखाते हैं। इसे आप बिना खोआ का भी खा सकते हैं, तो इसे हम अभी हम इसमें खोआ नहीं भरे हैं और इसका इसे हम इस तरह से रोल कर दे रहे हैं, तो ये देखिए कितना खूबसूरत हो जाता है। ये भी है बिना खोए का है, तो ज़रूरी नहीं कि खोआ डालें, अगर खोआ डालते हैं तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है। और इस तरह से इस मिठाई का मैंने नाम रखा है वाटरमेलन खोआ रोल। इस तरह से आपने देखा कि तरबूज के छिलके से कितना अच्छा मिठाई बना, और बहुत ही टेस्टी मिठाई है ये। तो आप अपने घर पे इसे बनाइए और पूरे परिवार के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये मिठाई कैसा लगा। थैंक यू।